हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अर्चना जी, कैसी हैं आप? कैसी लग रही हूँ? ब्यूटिफुल। मैंने दो बातें करनी है आपके साथ। अच्छा, वहां आकर करूंगा। आ जा। वेल, हाउज माई लुक? तू आज बहुत अच्छा लग रहा है। वाह, आज तो मुझे ऐसे लग रहा कि मैं ऐसे करूंगा, हाथ से शक्तियां निकलेंगी। क्योंकि आज आपके सामने चंदू फुटपाथिया नहीं, चंदू बिजनेस टाइसून हूं। एक मिनट, बिजनेस टाइसून नहीं, बिजनेस टाइकून होता है। अच्छा, खाली स्टेज में देखकर आया था कि दो बातें कर लूंगा, लेकिन आपने वो भी नहीं करने दी। सॉरी सॉरी। चल टाइसून, चल तू बिजनेस टाइसून। चलो कोई बात नहीं। खैर अर्चना जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। बोल बोल। मैंने अपनी मम्मी श्रीमती चांदनी देवी जी के आशीर्वाद से ढाबा खोल लिया है। और उसका उद्घाटन करने भी वो खुद आ रही हैं। तो आप भी आइएगा प्लीज। मैं भी आऊं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन पैसे लेकर आना है। गुड। ऐसे नहीं आना। दान पुण्य का काम मैंने खत्म कर दिया है, क्योंकि जब मुझे कोई नहीं देता मैं क्यों करूं। सो आज यहाँ पर चंदू खिलेगा और दुश्मन जलेंगे। ये क्या चल रहा है चंदू? नोट किया जाए, चंदू नहीं, चंदू ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मालिक चंदू जकरबर्ग। जकरबर्ग? ओए लकड़बग, तूने ये ढाबा कैसे खोला बे? अर्चना जी, रात को मैंने सोचा मैं सरनेम मित्तल रख लेता हूँ, फिर सोचा मित्तल का ये पीतल कर देगा। मैंने अरोड़ा सोचा, फिर सोचा अरोड़ा का ये पकौड़ा कर देगा। मैंने फिर सोचा चलो इंटरनेशनल सरनेम रख लेते हैं। हाँ। मैंने जकरबर्ग रखा, उसका इसने लकड़बर्ग कर दिया। यार तुम किस वर्ग के प्राणी हो? ऐसी बातें करता ना तू, तभी तेरी ऐसी खबरें आती हैं। तू ये बता, तूने ढाबा कैसे खोल लिया? वो मेरा बजट थोड़ा कम था इसलिए ढाबा खोले, नहीं तो खोलना तो मैंने गाड़ियों का शोरूम था। गाड़ियों का शोरूम? उस दिन पड़ोसियों कह रहा था आपने कुत्ता क्यों रखा हुआ, मुझे रख लो, मैं आपकी रखवाली कर दूंगा। कहते चार बिस्कुट मुझे कम दे दिया करना। मैंने ऐसे बोला था पहले, ये बताओ। नहीं, तूने ऐसे बोला था मेरे को रख लो। मेरी बात सुनो कपूर शर्मा, हर इंसान के अंदर एक जानवर छिपा होता है। छुपा होता है, ठीक है, तेरा दिखने लगा है। 10 रुपए से महंगी चीज देता है, इसकी जुबान बाहर आ जाती है। अरे पप्पू भैया, मैं क्या बोल रही? अरे माय गॉड, कैसे? अरे वाह, चंदू का ढाबा, क्या बात है, टायर का नट खोलते खोलते अब तूने ढाबा भी खोल लिया। मेरे बड़े आदमी बनने से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हड़प्पा की खुदाई से मिली हुई मुगलों की उमराऊ जान। ए, ये सड़क पे सोते सोते ना अब इसके मुहावरे भी ट्रकों वाले निकलने लगे। अभी बकवास कर रहे ले। मेरी बात सुनो, फुटपाथ पे तो मैं इसलिए सोता हूँ ताकि बैक प्रॉब्लम ना हो। अच्छा। अरे सब बकवास की बात छोड़, तू ये नया पैकेज ले, DNL के पैकेज। ये DNL के क्या होता है? डुक्कर नाइट लाइफ इन कीचड़। ऐसी बातें करती, वैसे भी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ढाबे में बहुत ज्यादा बिजी हूँ। एक बात बता, तेरे पास आइडिया आया कहाँ से? तेरे तो आ नहीं सकता, तेरा दिमाग तो है नहीं। वेल, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। यार शॉर्टकट में सुना दूं, हिंसक तो तुम एक मिनट में हो जाते हो। वो मुझे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है? अच्छा, वो मिली थी। अच्छा। चंदू तुम्हें हमारे देश की इकोनॉमी को ऊपर उठाना पड़ेगा। अच्छा, तो तू सिग्नल पे खड़ा रह के इकोनॉमी ऐसे ऊपर नीचे करता रहता है, तो तेरे को तो बोलेंगी। तेरे को कहाँ मिली थी भाई अपनी फाइनेंस मिनिस्टर? वो अपना शपथ ग्रहण समारोह नहीं था, तू गया था उधर? आई वॉज देयर। मैं तो पूरी तैयारी के साथ गया था वहां पे, विद टेलीस्कोप।
अच्छा। कोई ग्रह नहीं लगा उधर। ए मलाड़ के गेलीली हो तेरे को मालूम है शपथ ग्रहण में मंत्री शपथ लेता है। लेकिन उधर तो लोग चाय के साथ समोसे ले रहे थे। तीन चार तो मैंने भी उठाए हैं। तो फिर जो उन्होंने तेरी शपथ के ऊपर ग्रहण लगाया 3 घंटे वो भी तो बता उनको। चलो कुछ ना कुछ तो हम लेकर ही आए हैं। हाँ। नहीं तो कुछ लोग तो वहां कुर्सी पर बैठकर वापस आ गए थे। ऐसे लोगों से भागिए मत, ये भी हमारे अपने हैं। सही बात। इन्हें थोड़ा वक्त दीजिए, ये आज नहीं तो कल ठीक हो जाएंगे। ये हमारे अपने हैं। कपूर शर्मा, मुझे तुम्हारी यही हास्य विनोद की बातें यहाँ से जाने देती है। अब देखना, मैं और मेरी भूरी मिलकर ये ढाबा चलाएंगे। भूरी और भूरी। कौन बदतमीज है? देख तेरे को बदतमीज बोली। वो तो अपने आप को टैलेंटेड भी बोलती, मैंने कभी माना है? चप्पल का साइज देखा है? यस बेबी, 3 नंबर है। ए, ये कोई मेमने की बिटी है क्या जो 3 नंबर बता रहे ले? पागल है, मेमने को 4 नंबर आता है, ये मेंढकी है, इसको 3 आता है। बुरी, इनकी बातें ना सुना करो। तुम्हें पता मेंढकी कितनी क्यूट होती है? और टटर करके बताना। क्या करके बताओ? टटर करके बताओ। तू पहले बू बू करके दिखाओ। मेरा प्यार में ना तुम पागल ही हो जाती हो। नॉटी कर बुरी, तुम्हें पता वो देखो मेरा दावा खुल गया है, तुम मुझे अभी के अभी हाँ कर दो, रातों रात तुम मेरी नीता अंबानी और मैं तुम्हारा मुकेश अंबानी। भूरी, अरे भूरी, तुम यहाँ पर कर क्या रही हो यार? भैंसी अंदर इंतजार कर रही है तुम्हारा, जाओ नहलाओ। फालतू में यहाँ पर क्या? एक मिनट, चंदूदा ढाबा, ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे चंदूदा कटोरा होना चाहिए? लगने की बात है तो ऐसा तो तुम्हें भी चिंपैंजी होना चाहिए। वाली बात है ना, थोड़ा धीरे बोला करो। अगर जू वालों को पता चल गया और इनको उठा के ले गए तो फिर मेरे बच्चों को बाप का प्यार कौन देगा? देखो मेरी बात सुनो, बाप का प्यार मिले न मिले लेकिन 3 वक्त की रोटी जरूर मिलेगी चंदू के ढाबे से। हाय मैं मर जा। चंदू तुमने ढाबा खोला? अरे यार इसकी क्या जरूरत थी, तुम्हारा बिजनेस तो अच्छा खासा चल रहा था ना, मांग के खाने वाला। वो तो मुझे नेपोटिज्म में मिला है, ये तो मैंने अपनी मेहनत से कमाया है। मेरी बात सुनो भाभी, तुम्हें पता है मेरे ढाबे पे जो भी दूध पनीर मक्खन दही लगेगा वो तुम्हारे तबेले से सप्लाई होगी। अरे ऐसा क्यों भाई? अरे जीजू इसे कुछ नहीं होने वाला, रहने दो, इसका आप ढाबा बंद करवाओ। जीजू मैं बोल रही हूँ। उसको जीजू जीजू कहती रहती हो, इतना कहीं मेरे को हिलू हिलू बोला था, आज हमारे नीलू पीलू घूम रहे होते। एक उल्टे हाथ का पड़ेगा ना, कहीं गीलू गीलू ना हो जाओ। यार चलो भाई साहब तुम यहाँ से निकल लो। हाँ, निकलो इधर से, निकल लो। देखो मेरी बात सुनो। सुन चल निकल, निकलो निकलो, चलो निकलो, बाहर निकल, चले जाओ ना, बेइज्जती करवाई जा रहे हो। इतना हंस गवा है, शूरवीरों पर ऐसे हमले होते हैं। तू शूरवीर नहीं है, तू सुअरवीर है, समझा? बात कर ले, अपना ये टेपला उठा और निकल इधर से। कोई बात नहीं, मेरी इस बेइज्जती का बदला मेरी माँ लेगी। मम्मी, दूध का कर्ज चुकाने का टाइम आ गया है। ए, औलादें दूध का कर्ज चुकाती हैं। वो सौभाग्य मैंने अपनी मम्मी को दे दिया है। मम्मी, मम्मी, मम्मी। ये कमाल है यार, जिस आदमी ने अपने जीवन में माँ की दाल नहीं देखी वो माँ की धमकी देकर गया हमें। सुनो जी, आप टेंशन मत लो, आना तो इसकी माँ को देख लूंगी, इसकी माँ और इसके बाप को कड़ी ना बनाया ना।
तो मैं भी 11 बच्चों की माँ नहीं। कप्पू, चंदू की माँ ने मुझे कुछ बोल दिया तो तुम संभाल लोगे ना? इतने सालों से संभाल ही रहे, तुम क्या अपनी एक्टिंग पे टिकी हुई इधर? कप्पू शर्मा, आज खुश तो बहुत होगे तुम। जो औरत अपने बच्चे को मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़कर आ गई थी, आज वही औरत अपने बच्चे के ढाबे के लिए तुम्हारे शो की सीढ़ियां चढ़कर आ गई है। खुश तो बहुत होगे तुम कप्पू शर्मा। ए, घोड़े के नाई जैसी औरत। कौन है रे तू? ओ, 3 बार शेर की औरत है। ज्यादा बकवास नहीं कर रही, चंदू की माँ हूँ मैं, श्रीमती चांदनी। क्या बात कर रहे, आप चंदू की माँ हैं? हाँ। अरे आंटी, पाई लगू, पाई लगू। हाँ जी, 1 मिनट। अरे 10 रुपया जीती रहा। खुश रहा। जुग जुग दिया। 1 मिनट माँ जी 1 मिनट, हुआ क्या है? मैंने तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ना कपू शर्मा। मैंने क्या किया है? सारा तो तुम करते हो, मेरे बेटे को तो तुमने ओया करने के लिए रखा हुआ है। आज मेरा बेटा इधर ढाबा का खोलने लगा, तुम लोगों ने उसको भगा दिया। नहीं 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 आंटी जी, वो चंदू ढाबा चला नहीं पाएगा, उसके बस का नहीं है। ओए तंदूर के हम शक्ल है। मुझे एक बार बताओ, क्या उसके बस का नहीं है? नहीं, नहीं। है? ये सिर्फ उसके 11 बच्चे ही नहीं है, नहीं तो टैलेंट तुम्हारे जितना ही उसके अंदर है। मोहल्ले की कमेटियां लेके भागने वाली औरत, खबरदार, मेरे बच्चों को बीच में लाया तो। ओए होए पंडुबी की छोटी बहन। पंडुबी कह रही है? तुम लगती हो। ओए इधर आ, मेरी बात सुन पहले। आज तेरे बच्चों के बारे में ऐसे बोला मैंने तो बड़े ऐसे ऐसे कर रही है। जब मेरे चंदू के बारे में बोलते तो मेरे को दुख नहीं लगता। आंटी जी, आपके बेटे के साथ तो होगा ही ना, आपके बेटे का नाम भी तो चंदू है। कितना गंदा बच्चा पैदा किया आंटी आपने। अच्छा, आपको पता है चंदू पैदा हुआ ना, अर्चना जी बधाई मांगने वाले आए, 10 घरों से बधाई इकट्ठा करके इनके घर में एज ए रिलीफ फंड दिया उन्होंने। बचपन से कितना कमाऊ था मेरा चंदू। कमाऊ नहीं, मंगाऊ है, मंगाऊ मंगोड़ी भिखारी। तू चुप कर, जरा बकवास नहीं करनी, जानती मैं तेरी मसाजों को। मैं करना क्या होता है, थोड़ा सा तेल लिया ऐसे 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 घिसा अपने हाथ को, आधा हाथ ए साइड में आधा हाथ बी साइड में। मैं तो बस हॉकी मसाज। अपनी मसाज करने से कुछ नहीं होगा, दूसरे की मसाज करके देखो। दूसरे की तू करे, तेरे का करे, तेरा बाप करे। हाँ मसाज भी करे, मसाजू बैठिए। हाँ तो करेंगे, हमारा धंधा है, चलता है वो। आंटी आंटी मेरी बात सुनिए। आंटी आंटी क्या होता है? आंटी क्या होता है? वो तो चंदू तुम्हें लाइक करता है, नहीं तो तुम्हारी जैसी लड़की की तो मैंने मोहल्ले में गलत गलत अफवाहें फैलाई हुई हैं। आंटी आप यहाँ इतनी बातें कर रही है, जाके अपने बेटे चंदू को समझाइए कि मेरा पीछा छोड़ दे। एक मिनट मेरी बात सुनिए जरा, इधर 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 आ। तेरे दूध वाले दांत तो टूट गए होंगे ना, तो ये भी दांत तुमने क्यों तोड़वाने? ये तो दोबारा आते भी नहीं है। मेरे बारे में बोलने से पहले आपने मेरा बायोडाटा चेक नहीं किया था? इधर आ, जानती हूँ मैं तेरी जैसे लड़कियों का। इधर इधर, क्या आपको पता क्या करती है? क्या? गर्मियों में कुल्फी वाले को बॉयफ्रेंड बना लेती है, सर्दियों में गिरेले वाले को। और आंटी बरसात में? बरसात में लोनावला। और शगनलाल की चिक्की के साथ डिंक चिक्की डिंक चिक्की डिंक चिक्की डिंक चिक्की। इसने तो बिरयानी खानी हो, वो MBH वाला नहीं, उसके साथ चल पड़ती। चलो 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 चलो। जीजू आप कुछ बोलते क्यों नहीं? अरे हम क्या बोले, हमें जितनी गालियां आती है उतनी औरत एक दिन में सुन लेती होगी। ऐसी औरतों के मुंह नहीं लगते हम। लाग लाग मुंह मेरे नहीं, बताऊं तुझे मैं, मुंह नहीं लगते मर्दाना औरत। अपने 11 भैंसों का अभी ना दही खाकर ऐसा रायता फैलाएंगे यहाँ पे, पूरा खानदान मिलकर समेट नहीं पाएगा, समझ गई? इच्छाधारी मकड़ी। वाह जीजू वाह, छा गए आप। जीजा छाता रहता, कभी साली भी छा जाया करे। शेर एक बार दहाड़ता है, कुत्तों की तरह सारा दिन नहीं भौंकता। शेर देख लो भी हमारा, मेंढक थप्पड़ मार के चले जाते। कप्पू,
तेरा जैसे को तो मैं नींबू की तरह गिलास में निचोड़ कर पी जाऊं, डकार भी ना लूं। वाह वाह। अर्चना जी मैं तो किसी को मानती नहीं हूँ, हस्बैंड को भी नहीं मानती मैं। शादी वाले दिन मेरा घूंघट उठाने लगा, मैंने थप्पड़ मारा छाती पे बैठ गई मैं। 88 मुक्के मारे मैंने उसकी छाती पे। ए धमोरियों की मालकिन, कब से मैं तेरी इधर मच मच सुन रही है। तू चुप कर, तेरे जैसी औरतें होती है एक हाथ से ट्रक उठाती दूसरे हाथ से उसका टायर बदल लेती हैं। और तुम्हारी जैसी तेरे जैसी औरतें होती हैं जो अपने डैडी का कुर्ता पजामा पहन के अपने बॉयफ्रेंड से सर मिलने के लिए चली जाती हैं। मैं हार गई। इतनी बेस्ती कप्पू मेरी नाला सपर में भी नहीं हुई है। तू इसको समझा? आप बताओ। नहीं नहीं, कौन रोकेगा मेरे बेटे का इधर डाबा? अरे कोई आ गया हो यार। मैं घर जा रही हूँ खाना बनाने। जाना नहीं है, इधर से दौड़ो। तुम्हारे जैसी औरतें गांव में मैंने ना बच्चों के लंगोट बदलने के लिए रखी हुई है। अच्छा, और तेरे जैसी औरतें ना मैं अपने घर में झाड़ू लगवाती हूँ। तेरे जैसी औरतों पर मैं कूड़ा फेंकती हूँ। तेरे जैसी औरतों पे भी मैं कूड़ा फेंकती हूँ। ये बात तो मैंने पहले बोली थी। हाँ तो क्या हुआ, कूड़ा मेरे पास भी है, अगर और कूड़ा चाहिए ना तो ट्रक का ट्रक मंगवा सकती हूँ। मुझे कोई रोक ले, मैं हाथापाई करने लगी हूँ। मेरे बच्चे का तो डाबा इधर ही खुलेगा, इधर ही खुलेगा मेरे बेटे का डाबा। आप अपना सर ना खुलवा लेना, मेरे बच्चे का डाबा यहीं पे खुलेगा। आई बड़ी, जब से आई तमाक खाई जा रही हो। जा जाके अपनी आवाज देख, ट्रक वाली बॉडी में तुमने मोपड़ की आवाज डलवाई हुई है। आपने अपनी आवाज देखी है? ऐसा लग रहा बंदरी के मुंह से चमगादड़ की आवाज निकल रही है। एक मिनट। अरे अरे अरे, मेरे बच्चे का तो डब्बा इधर ही खुलेगा, खुल गया मेरे बेटे का डब्बा। ओ आंटी, इधर कोई ढाबा नहीं खुलेगा, उठाओ अपना पतीला यहाँ से। कोई ढाबा नहीं खुलेगा? नहीं नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। मैंने इधर राजमा बनवाए हैं गरम गरम। हमको खाना ही नहीं है राजमा। नहीं, तुमको खिलाने नहीं है गरम गरम, तुम्हारी धोती में डालने। क्या बोल रही है आंटी? ए तो सच में जा रही है? अरे नहीं, अरे यार वो तो पागल हो गई है। अरे यार भागो, अरे नहीं, अरे वो तो सच में डाल देगी। आते फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।